तो हम लोग रेडी हैं बस सफारी पे जाने के लिए। और ये घर है, प्रदीप जी आए हुए हैं, देख पा रहे हैं, बस मारे निकल रामदेव लें। जी। महादेव महादेव, कबीर कैमरा रेडी कर रहा है, देख बाकी सब रेडी पा। है। तो हम लोग आ गए हैं गेट पे, सब लोग तैयार हैं अंदर जाने के लिए। सुबह के 6 बजे हैं। चढ़ जा चढ़ जा, चढ़िए, बैठे कहाँ बैठे। चढ़ोगे, पीछे? हाँ नहीं, मैं बीच में आ जाता हूँ। मैं कहाँ बैठूँ? ठीक इधर आ, तो बीच में आ जाओ, तुम्हारे ठीक बीच वाले बीच में आ जाओ। है, आधे सर बीच में आप कहाँ बैठना पसंद करेंगे? राम राम, क्या कह रहे हैं? वो चॉकलेट अंग्रेज वगैरह वाले मिल तो जाता। निकले, सही अंग्रेज वाले तो निकले। सही है, तो बड़ी कायर हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले है। वी आर गोइंग इनसाइड। ये बीच में वो आ जाएगा क्या? नहीं आएगा सर। वो कौन से जोन में है? वो दुबरी जोन में है। हम दुबरी जोन में ही घूम रहे हैं, बट सर वो तो वाह, सर तू सोच रहा है यार, वाओ। तो वीडियो करने का ट्राई करना नहीं। अरे अरे, ये दूसरा भी है, दूसरा अच्छा भी है मेन तो दिख रहा है। झुंड है, ये अलग है ना, वही है मेल टू मेल का अलग। हाँ अरे यार, एकदम गजब दिख रहा है ना, सनराइज हो रहा है। ये सिर्फ गैस देखिए, का गोला है और कुछ नहीं है। चलिए चलिए, आते वक्त यहाँ एक फोटो खिंचवाएंगे ग्रुप। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है सर। पेंड्रा तो ये बाघ विचरण क्षेत्र कोर क्षेत्र है, नीरज इसका फोटो ले ले एक ले बार। लिया सर, बाघ विचरण कोर क्षेत्र, ले लिया सर। वो देखिए, वो आके चील बैठा, वो देखिए, उस उधर उधर बैठा हुआ है ना, उनको वो वो देख नहीं करते रहा है। हैं पार करने चलो का। आगे चलते चलिए हैं। हाँ, चलिए चलिए, क्रॉस करिए। थोड़ा आगे जाते हैं, रुक लेना सर। एक घास सर यही है कि जो जंगल चराई से बच जाती है ना, तो यहाँ के जो शाकाहारी जानवर हैं जैसे डियर, चिंकारा, इन सब के लिए घास बनता है, तो इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो पूरे चारा काट ले जाएंगे लोग। एक बुक है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बहुत अच्छा स्टडी हुआ था अभी पन्ना नेशनल पार्क में। इसमें वहाँ के जितने गार्डियंस भी हैं, सब बड़ी अच्छी स्टडी हुई। कैसे सामने डियर है एकदम, और हमारे इधर पीयूष जी हैं नहीं मिला। जो देख रहे हैं, कुबेर भाई फोटो ले रहे हैं। आ रहे हो कहाँ? मम्मी है उसमें। सुंदर लग रहा है ना, अद्भुत लग रहा है सुनने में। चलिए, वाह, ये झाड़ी में बड़ा सा है, बड़े वाले दो हैं, तीन है सरंगा। कुछ फुटेज करना, नीलेश कर रहा है ना। अब निकले, अब निकले झाड़ी से, रुक जाइए थोड़ा, रुकिए रुकिए। ओह हो, मेल सारे निकले हैं। देखो रे कोई, ओ ओ एंड टाइम तो वही होता है जब इस तरफ देखते हैं। कोई नहीं, देखेंगे, वो देख रहा है श्रृंगार। इसलिए दूरबीन चाहिए, हिरन देखते हुए हमारे लोग। सागर भाई है अपने, इधर नीलेश फोटोग्राफी करते हुए। अभी इनके सीने में देखिएगा फर्क है अभी। तो ये नए उग रहे हैं अभी, ठीक है ना, जब गर्मी आएगी तब तक ये जाके झाड़ियों में भिड़ेंगे। चले आगे। हाँ चलिए, बहुत बड़े बड़े खुर हैं। हाँ खुर है, खुर खुर है। अब आगे वो कितना ए है, अभी वो आया हुआ है, ये कांच के फूल और सूरज की रोशनी। अरे वाह, इसको बोलते हैं वेटेवर, वेटीवर, वेटीवर ग्रास। किसी भी चढ़ाव का ज्यादा यूज नहीं, सब कुछ ही ये होता है। वाटर ट्रीटमेंट में
बहुत ही हेल्पफुल है, मतलब छोटे पक्षियों का रहने का स्थान होता है, दिखने में इतना सुंदर है। जब दुर्गा पूजा आता है ना तब बंगाल में इतने फूलते ना ये सरकंडा बोलते हैं इसको, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। क्रॉस कर रहे हैं अपना छोटा वाली पेरिनियल रिवर। यहाँ की नदियों में हमेशा पानी रहता है, मैं बोला था पानी कितना साफ है, अब आप देखिए कितना साफ है। थोड़ा सा बीच रपटा में रोकिएगा, रपटा में रोक लेना एक बार, ठीक है। नदी अपन क्रॉस कर रहे हैं और आगे चलो, और आगे बीच में थोड़ा गड्ढा है, बीच में रोक, फोटो लेते हैं ना, बस बस रोकिए रोकिए रोकिए, थोड़ा पीछे कर लीजिए, ठीक है ना, सूरज मिल जाएगा, सूरज भी ले लो, सूरज ले लो, हाँ आवाज आएगा, पानी की आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, वाह देख रहे हैं जंगल, उसको कहते हैं अद्भुत जंगल, मायावन। ये देखिए बर्ड्स, यस वी कैन सी जंगा, तो रंगो ही है बट वो वाली नहीं। कहीं पे ऐसा स्पॉट है जहाँ पर अपना वो दूधराज रहता हो? दूधराज, हाँ दूधराज जंगल में, जंगल में नहीं घर में दिखा था, अपने हमारे घर में दिखा था, बाकी फिर नहीं दिखा। दूधराज क्या होता है? हमारा जो सर एमपी स्टेट बर्ड बहुत सुंदर होता है, बहुत लंबा पूंछ वाला है, लाल भी होता है, स्वर्गीय नर्तक बोलते हैं वो, इतना सुंदर होता है कि सर आप एक बार देखो ना, जब ये धीरे 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 चलने फिरने लगे, माँ को ढूंढने लगे कि माँ गई कहाँ, तो मौसी से इनकी मुलाकात हो गई, और मैं मौसी वो एक ही तीन फैमिली से आने से वो एक्सेप्ट कर लिया, ये खाते थे। ये भी बहुत बड़ी बात है कि उनको मौसी मिल गई, सोचिए, क्योंकि ये जो टाइगर में तो ऐसा मैमल है ना, बिना उसके नहीं सरवाइव कर पाते, टाइगर दूसरे टाइगर के बच्चों का देख रेख करे, ये पहली बार ऐसा हुआ है। मौसी भी आखिर माही है, हाँ इसीलिए तो मासी बोलते हैं ना, माँ जैसी, एक ही जिन पुल से आई तो इसलिए एक्सेप्ट कर लिया, ध्यान से रुक जा रुक जा। ये भी एक तरह का, ये जो है ना इसके छोटे छोटे फल चिड़ियों को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, ठंडी है, ठंडी है, हाँ ये चिरंजी है, ये चिरंजी है, ये वाला सामने देखिए सर, ये भी तो चिरंजी है, अरे पेड़ नहीं सामने, सामने देखिए सर, सामने ग्रासलैंड, अरे वाह उसकी फोटो हो सकती है, हाँ ले ली क्या आपने, रुक जाइए थोड़ा, थोड़ा घुमा के सही से रुकिए, एक बढ़िया सी फोटो ले लो, टाइगर साइटिंग जो टाइगर, बस दिखता है, हाँ के पग मार्क दिखे हमें, टाइगर भी दिखे, वीडियो में टाइगर के पग मार्क बोल गए, जूस दोबारा आ गया, हाउस टाइगर इसी रोड पे हो सकता है, हाँ क्योंकि अभी सुबह सुबह है ना, कंजरा झील यही है, नहीं इस झील की बात नहीं कर रहा था मैं, वो बिल्कुल सेंटर में है, बहुत बड़ा, वहाँ पे कोई पेड़ पौधे, पहले गांव था उसको हटा दिया, कोई पेड़ पौधे नहीं है, पगमार कंटिन्यू है, आप समझ गए होंगे, आप रोड में ध्यान रखिए कहीं भी टाइगर दिख सकता है, क्या ग्रास लैंड, अकेला पेड़ में नहीं कहीं घास घूस में भी बैठा हो सकता है, पगमार का अभी भी कंटिन्यू रोड, रोड पे ही चल रहा है अभी, पगमार रोड पे ही जा रहे हैं, वो दो हीरे मिल गए कहाँ पे, कासा देख तो कितना सुंदर फूल है, ग्रास कितना, इधर लाइट कैसे आ रहा है, अभी वो टाइगर पे फोकस करा तुम, पग मग दिखे, टाइगर से सुंदर तो इसी ट्राइब में कहीं घुसा हो सकता है, अगर मूवमेंट नहीं कर रहा होगा तो नहीं पता चलेगा, थक गया चलते चलते, अंदर ना निकल गया हो, ये देखिए क्या मैस्मराइजिंग लाइट आ रहा है, बाप रे बाप,
मेसमराइजिंग लाइट में टाइगर और अपनी लाइट के खाते से मेसमराइजिंग हो जाएगा। हमने ये पगमार्क कहाँ चला गया, घाटी वाटी में हो सकता है, जाएगा तो साला अभी खुले में। हाँ पगमार्क तो है इस रास्ते पे भी थे सारे अंदर वाले। वो देखिए मैदान से हिरन भाग रहा है, कोई मैदान में काफी हिरन है वो ग्रास में, हाँ। ग्रास में वो भाग रहा है, उधर ले सकता है तो ले, वो देखो वो ग्रास ग्रासलैंड में दिलेश वीडियो ले रहा है, रोड क्रॉस करके थोड़ा वीडियो लेना, रोड क्रॉस करेगा वो भाग रहे हैं छलांग लगा लगा के ऐसे ही भागते हैं पूरा भरा हुआ है वो। आइए आइए और नीले नीलेश इसको इसको रिकॉर्ड करना, बिना कॉल किए भाग रहे हैं, मतलब सही तो नहीं देखा तो पता है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। आपको पिछली बार टाइगर कब दिखा था, कितने दिन पहले? पिछली बार पिछली बार तो सर हमको करीब 10 दिन हो गए, इसलिए मैं बीच में आया नहीं था 5-6 दिन। दो बार वो जो ग्रासलैंड आपको बता रहे हैं ना बढ़िया वाला, उसी ग्रासलैंड के बारे में भैंस का किल किया था, बफर जोन से भैंस चरने आती हूँ वहाँ पर अब बनेगा है विटाट रोड पे घास लगी हुई थी और अपन जा रहे थे और सामने लाइट देखी, सामने की लाइट देखी आप कैसी दिख रही है लाइट आपको, ब्राउजिंग करके ऐसे बैठा था लाइट साइड चला गया जस्ट बगल में आ गए ये सन क्लियर का शॉट करना खूब निवेश हुए चलती गाड़ी से क्या सन क्लियर बहुत सही सन क्लियर मजेदार बात है। आजा टाइगर 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 के निशान मिले बट टाइगर नहीं मिला अभी। अच्छा बस सोलर पैनल लगाए खूब सारे और लगाए कहाँ वो देखें डोनेट कर लेना तो ऊपर ये बहुत ही सुंदर है ये बहुत तो यहाँ पे वॉच टावर है रामकेश जी बहुत अच्छा लगेगा नीचे पानी भरा हुआ टाइगर आने वहाँ पे टाइगर आता है ना वो टाइगर का स्विमिंग पूल है हमारे मुख्य सागर जी उतरने दीजिए देखो ऐसा नहीं उतरना फल लेके आए क्या खाएंगे अभी नहीं अभी तो अगले जल्दी हो गए ठीक चलिए आइए झील के पास आके खाएंगे बंद करके खाए रखते हैं कर ले मैदान वो साली कुछ ऐसा था वो साली गजब था सही है। ये है घने जंगल बाइड हम फिर आ गए क्या लग रहा है दिख रहा है जंगल आपको
मैं तो देख ही रहा हूँ। जंगल भी इतने सुंदर हो सकते हैं, जंगल ही सुंदर होते हैं। ये है हमारी संपदा, वन संपदा। कौन सा टावर था ये? नीरज को लेके नहीं आना चाहिए था, उसके डर के। अब ट्रेन जा रहा है। बगल से लेना थोड़ा सा ग्रास का लाइन पांच गाज बेटा ये तो बढ़िया था। बस यहां ये पग मार के यहां पे बहुत आगे थी, इसी तरफ गया है। देखिए पग मार आपको पग ही पग, बस कुवेर नहीं आ रहा अंदर से। बंदर बोले लंगूर, लेकिन ये नॉर्मल है, वार्निंग साइन नहीं है। अब आ गया यारी ना सर का फोटो ले लो, वाले सर का फोटो ले लो, कैसे में कहां कहां बैठे कर रहे हैं ले ले। नहीं वहां अभी मत लो, वहां बैठ। ये रोकिए 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 जल्दी रोकिए रोकिए बस ऐसे फूल जैसा धारी बनाता था, ऐसे ही आ रहा था इसी तरफ। देखो तुम देखो, हाँ ऐसे ही आ रहा था। तुम देखो जहाँ देखा था तुमने, बैठ जाओ। मैं चूंकि सिंगरौली में 6 साल से रहता हूं, तो मुझको यहां बहुत आइडिया नहीं था। मुझे बस ये था कि बांधवगढ़ यहां से करीब 250-300 किलोमीटर दूरी पे है, तो वहां पे टाइगर रिजर्व है, जाके देख सकते हैं। तो एक काफ़ी ब्रीफ आइडिया था, बहुत जानकारी नहीं थी। बट यहां मेरे सीनियर मिस्टर प्रदीप से मुझे पता चला कि यहाँ पे एक संजय टाइगर रिजर्व करके है, यहाँ पे गांव हैं, काफ़ी मतलब अच्छी लोकेशंस हैं। तो फिर वहाँ पे एक बार ट्राई करने के लिए मैं आया, यहाँ पे मेरा 2 दिन का स्टे भी था, मतलब काफ़ी ओवरवेलमिंग लगा मुझे। यहाँ पे जितने भी स्पॉट्स हैं सारे दिल को छूने वाले हैं। जैसे कि मैं आया तो वो सारे रास्ते, पहाड़ों के बीच में रास्ते, पूरी नेचुरल ब्यूटी, सारा कुछ। और फिर आने के बाद मैं क्योंकि शाम को लेट शाम को पहुंचा, उसी दिन इतना अच्छा खाना खाने के बाद फिर बाहर गांव में घूमे, नदी के किनारे गए, वहां पे इतना नेचुरल स्काई, क्लियर स्काई के नीचे, काफ़ी सारे पॉइंट्स यहां के बहुत अच्छे हैं। फिर अगले दिन मॉर्निंग में संजय टाइगर रिज़र्व में ये घूमे हम, तो वो वहाँ पर काफ़ी चीज़ों को देखा। फिर उसके बाद यहाँ पर रिवर के पास आए, वहाँ पर पानी में नहाए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम यूनिक हैं जो हम लोग नॉर्मल डेज़ में मिस करते हैं। इससे पहले जहाँ तक की बात है, मैंने कोई ऐसी सफारी की नहीं थी, बस एक ओवरऑल एक आइडिया था चीज़ों को डिस्कवरी पे देख के, इधर उधर देख के, बट ऐसे कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था। तो यहाँ पे आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, नेचुरल चीज़ों में मतलब थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ा मेरा, थोड़ा
स्पिरिचुअल चीज़ों में भी मतलब मुझको थोड़ी रियलाइजेशन हुई। पहली बात तो मैं रोज़ हब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छे से हमें यहाँ पे रिसीव किया। काफ़ी अच्छा स्टे था हमारा, काफ़ी अच्छा हम लोग का यहाँ पे फूड था, यहाँ पे रहने की बहुत काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट थी। उसके बाद सारे सारे मेन स्पॉट्स क्या, हर जगह हम काफ़ी अच्छे से घूमे, रात में घूमे, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से सफारी, फिर दोपहर में घूमे। तो काफ़ी रोज़ हब का तो मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ, और मैं वो अभी इवॉल्विंग टीम है, तो मैं आशा करता हूँ कि वो आने आने वाले टाइम में और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। जैसा आप ओके, बाय बाय बाय, फिर मिलेंगे सर। ठीक, धन्यवाद।